लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर में लगातार हिंसक वारदात सामने आ रही हैं। कोतवाली देहात इलाके के दरियापुर में सोमवार को दोपहर एक समुदाय के दो पक्षों के बच्चों का आपस में मोबाइल को लेकर झगड़ा हो गया। मामूली झगड़ा इतना बड़ा कि देर रात को दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडों से पीटा गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग पथराव और मारपीट कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। झगड़ा हुआ था, ये हम तो घर पे थे और उन्होंने पत्थरबाजी कर दिया एकदम, आके ने हमारे घर में घुस गए और एकदम पथराव कर दिया। तो किस वजह से पथराव हुआ? बच्चे बच्चों में हुई थी, वो बीच बिचाव हो गया, फिर आके ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर पर जमकर पथराव किया, जिससे दोनों पक्षों के लोग चोटिल हुए। पथराव में घायल हुए लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत दरियापुर गांव में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया था और इसमें अभियोग पंजीकृत करा करके कार्यवाही की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनकी पहचान की जा रही है और पहचान करके उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।